दोस्तों, कैसे हो आप सब? और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और हम आज एक्सप्लोरिंग छत्तीसगढ़ सीरीज़ में एक और नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और अभी हम लोग पहुँचे हैं पामगढ़ के आसपास, और हमें अभी लगभग 70 से 80 किलोमीटर और गाड़ी चलानी है। तो चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों, अभी हम लोग पामगढ़ से निकले हैं, और छत्तीसगढ़ भर में मैं इतने जगह घूमा हूँ, ऐसे घटिया और ख़राब रोड कहना चाहिए कि पता नहीं क्यों जनप्रतिनिधि लोग इधर के खौहा टाइप के हैं या क्या है, भगवान जाने। लेकिन इतना ख़राब रोड मेरे को और कहीं नहीं मिला है। इस रोड में मैं कई बार आ गया, 2 साल हो गया कहना चाहिए, 2 साल पहले भी आया था। और ये जस का तस है, ये खराब होता है, ये सुधरता नहीं है। देखिए इतना रद्दी है, इतना रद्दी कि क्या कहें कि अरे पूरा सभी साइड का रोड सुधर गया, लेकिन ये रोड नहीं सुधरने वाला। और ऐसा नहीं है कि ये रोड कहना चाहिए आर्डनरी है, ये रोड आपका बलौदा बाजार जिला जाने के लिए जहांगीर से सबसे शॉर्टकट है। सीधा आपको शिवनाथ नदी क्रॉस करा के सीधा निकाल देगी कसजोल को। इसके बावजूद भी ये रोड का ये हालत है। कौन है इस साइड के विधायक सांसद वगैरह तो जिनको ये दिख नहीं रहा है। आप जो नदी देख रहे हैं ये शिवनाथ नदी है, और हम शिवनाथ नदी क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद आपका बलौदा बाजार जिला जो है वो आ जाता है, और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं हूं अभी पलारी में, और यहां पर है सिद्धेश्वरनाथ मंदिर, आप लोग देख सकेंगे। और मेरे पीछे है वो तालाब जिसके किनारे ये मंदिर बना हुआ है, और वहां देख सकते हैं वो गार्डन है, और वो गार्डन भी हम चलेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं। मंदिर काफ़ी पुरानी लग रही है, देख लीजिए। मुझे जो है सिरपुर का वो मंदिर याद आ रहा है। अभी उतना भीड़ नहीं है, परंतु सुबह के समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अरे नहीं नहीं यार, वो गलत है भाई। हाँ। हमने देखा है बेल पत्र और पुष्प देने पर तो 50 रुपये ले लेते हैं। नारियल बस तो 15 रुपये। अरे आजकल महंगाई का जमाना है यार। दोस्तों, आप जो ये तालाब देख रहे हैं वास्तव में एक किले का भाग है, जहाँ तालाब के बीचों बीच किला था और चारों ओर खाई था, जो आज तालाब के रूप में आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर का ऊपर का जो डोम है उसे बाद में बनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि मंदिर खंडित अवस्था में रहा होगा, जिसे बाद में पुनरुद्धार किया होगा। मैं
मंदिर प्रांगण के अंदर पर्याप्त मात्रा में हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत सारी मूर्तियों से सुशोभित है।